घुटने का दर्द, घुटने की खराबी, घुटने का गलना, ये सब दूर करना है तो ये सब फिजियोथेरेपी आपको सीखना है, ये एक्सरसाइज आपको घर पे करना है, सब आपकी तकलीफें घुटने की दूर हो जाएगी। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो मुझे खुद को डॉक्टर को डॉक्टर एक्सरसाइज बता रहे हैं। अब ये जो पहली एक्सरसाइज है इसमें पाँव को 2 किलो का वजन बांधा हुआ है, ये मार्केट में मिलता है, लेकिन आप घर पे दूसरा भी कुछ बांध कर ऐसे आपको एक जगह बैठ कर पाँव सीधे करना है और ऐसे 20 रिपीटेशंस आपको करना है। ये एक्सरसाइज पहली हुई। दूसरे एक्सरसाइज में आपको पीठ के बल लेटना है, वजन वैसे ही लगा के रखना है और पाँव सीधा आपको स्ट्रेट करना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा आपको 20 सेट करना है, मतलब 10-10 सेकंड आपको उठा के वजन रखना है। इससे आपके घुटने में ताकत आएगी, घुटने के आजू बाजू के जो मसल्स है वो मजबूत बनेंगे, तो जो आपके घुटने घिस रहे हैं वो घिसेंगे नहीं। ये जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके दर्द भी घुटने का बहुत कम हो जाएगा। फिर आपको साइड में लेटना है और पाँव को ऐसे ही 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, ये 20 का सेट पूरा करना है। इसमें ये जो एक्सरसाइज है ये 3 नंबर का एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइज में सब तरीके के मसल जो घुटने को जोड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, वो मजबूत होते हैं। ये 4 नंबर का एक्सरसाइज है, इसमें पूरा पेट के बल आपको लेटना है और पाँव को मोड़ना है, तो ये भी 20 का सेट पूरा करना है। आप जितनी कैपेसिटी हो उतना कर सकते हैं। अगर आपके कांप मसल में पेन होता हो तो आप थोड़ी मालिश भी बाद में कर सकते हैं तेल से, और प्रोटीन डाइट आपको लेना ज़रूरी है कोई भी, आप जब मसल गेन कर रहे हैं, मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब ये मसल की एक्सरसाइज लेते रहेंगे तब प्रोटीन डाइट भी होना चाहिए और अच्छी खुराक भी होनी चाहिए, तो इससे आपके घुटनों में ताकत आएगी। भले आपका घुटने का घुटना बदलने की सर्जरी हुई हो, भले आपकी ACL सर्जरी हुई हो, भले आपके घुटने गल रहे हो, कोई भी घुटने का ऑपरेशन होने के बाद ये एक्सरसाइज सब कॉमन है। इस सब से घुटने में बहुत ताकत आती है, बहुत ज़्यादा ताकत आती है, और आपको जो दूसरा घुटना है उसके बराबर की ताकत जब आएगी तभी आपको सही साथ चलते आएगा। ये 5 नंबर की एक्सरसाइज, पेट के बल ही आपको लेटना है और पाँव अपनी जो फुट के जो टोज है उसके ऊपर रख कर आपको घुटने को स्ट्रेट करना है और टाइट रखना है। बीच में देखिए डॉक्टर साहब हाथ घुमा रहे हैं, वहाँ पर गैप होना चाहिए, तो ऐसे आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकंड, ये भी आपको 20 सेट करना है। इसमें आपके घुटने में ताकत आएगी, मसल मजबूत बनेंगे। फिर मार्केट में मिलता है टेरा बैंड, रबर बैंड रहता है, ये आपको नीचे बांध कर कुर्सी में स्टूल में जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर बांध कर इससे आपको खींचना है। यहाँ पर देखिए अभी वजन निकाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिर्फ ये रबर बैंड खींचने का एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है कि आपको दीवार पे पीठ टिकाना है और नीचे आपको सिटअप मारने हैं। इसमें क्या होगा कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा दीवार से और घुटने के जो मसल्स है वो भी मजबूत बनेंगे। तो ये जितने भी एक्सरसाइज है घुटने को बहुत आपके मजबूत बनाने वाले हैं। घुटने गल रहे तो दर्द भी आपका थोड़े दिनों में कम हो जाएगा, शुरुआत में थोड़ा दर्द हो सकता है पहली बार एक्सरसाइज कर रहे तो, लेकिन धीरे धीरे आदत होने पर आपको बहुत अच्छा फील होगा और घुटने में चलने में बहुत ताकत आएगी, उठने बैठने में, टॉयलेट में बैठने में भी ताकत आएगी। फिर ये सब कितनी ताकत आई है ये चेक करने के लिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे, वो बता रहे हैं कि आप एक तकिया लेकर एक पाँव पर बैलेंस बनाइए, तो वहाँ पर आप जैसे बैलेंस बनाएंगे और जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतनी ताकत आपके घुटनों में, ऐसा आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए तकिए के बीचों बीच पाँव रख कर आपको खड़ा होना है और उससे आपको एक पाँव ऊपर करके रखना है, तो आपके घुटने में बैलेंस बनाने की क्षमता कितनी है वो भी चेक होती है और घुटने में ताकत भी आती है। फिर आखिरी एक्सरसाइज जो है वो है पाँव को इधर से उधर लेके जाना। इसमें दोनों एक्सरसाइज हो रही है कि आप जैसे देख रहे हैं आगे पीछे साइड वाइज डॉक्टर साहब पाँव घिस कर, तो ये घुटने के बेहतरीन एक्सरसाइज सिर्फ डॉक्टर जेके दादा इस चैनल पर, और भी बहुत सारी सेहत की जानकारी आपको फ्री में मिलेगी। इससे आपके पैसे डॉक्टर के बचेंगे और आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनका टाइम बचेगा। तो जितने भी अपने दोस्त मित्र परिवार वाले हैं जिनको घुटने का दर्द है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।